हाय गाइस, purple.com के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुकी है। द बिग ब्यूटी ब्लोआउट सेल है गाइस। 21 सितंबर से 27 सितंबर तक सेल चलेगी। आप इस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाना, क्योंकि यहां पे आपको 50% तक ऑफ मिल जाएगा एंड 500 प्लस ब्यूटी ब्रांड्स हैं। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, आप कुछ भी यहां से बाय कर सकते हो। आप हेयर केयर टूल्स भी बाय कर सकते हो। लिंक्स मैंने आपको डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ये जस्ट एक रैंडम चिटचैट वीडियो है, ओके? कुछ भी नहीं, थोड़ी सी अपने हेयर केयर रूटीन कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं अपनी शेयर करती हूँ। हाँ जी, मैंने अपने बालों को कलर कर लिया है और जिसको लेके मैं इतना भयंकर वाला कंफ्यूज हो रही हूँ, मत पूछो। मेरा हेडेक तक होने लगा। लाइट जल रही है ना? हाँ, रिंग लाइट नहीं जलाई हुई यार, मेरा मन नहीं करा आज, पता नहीं क्यों। मैं कौन सा अभी मेकअप लुक कर रही हूँ, जस्ट तेल ही लगाना है सिर पे और तो कुछ भी नहीं मैंने करना। अच्छा, तो हाँ जी, मैंने कर लिया कलर। कलर है लॉरियल पेरिस का कास्टिंग क्रेम ग्लॉस इन द शेड 665 रैसबेरी। लिंक्स आपको मिल जाएंगे सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? वैसे मैंने इसकी अलग से वीडियो अपलोड की है, नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो रेड कलर करने के बाद कुछ ऐसा आया, मैंने सोचा चलो एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं चैनल पे, तो बालों को थोड़ा सा एकदम वैसा वाला कलर कर लेते हैं, थोड़ा एक्सेप्शनल वाला कलर तो कर लिया। अब मेरे दिमाग में बात आ रही है कि माई चैनल इज ऑल अबाउट इंडियन लुक्स, है ना? मैं तो फेस्टिवल्स आ चुके, इंडियन लुक्स ज्यादा करती हूँ, तो मुझे नहीं पता, मेरा वो सोच सोच के ना हेडेक हो रहा है। बट अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब हम कलर करते हैं ना तो वो कलर एक तरह से चढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन जब हम उसको तेल लगाते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, जो भी हम जब शैम्पू करते हैं ना, बेसिकली अब तक मैंने शैम्पू नहीं किया तो वो थोड़ा सा कलर निकलता है, थोड़ा सा ही, आई थिंक ये टोन डाउन होगा, आई थिंक, मुझे भी नहीं पता। तो बस वही करने वाली हूं मैं आज की वीडियो में। थोड़ा सा मैं इसको वॉश भी कर, मतलब थोड़ा सा नहीं यार, पूरा ही वॉश करूंगी, सॉरी यार, अभी दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ। अब इतना भयंकर वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थोड़ा सा तो आपका दिमाग हिल जाएगा ना। आरव इज लाइक कि मम्मा मुझे आपका ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे को लाल वाले बाल आपके, फिर पहले दिन बोल रहा था, अब तो कुछ नहीं बोल रहा। पहले दिन कहता आपके वो सोने वाले बाल चाहिए मुझे, मैं कहा सोने वाले बाल कौन से थे भाई, मुझे वो जो सोने रंग के बाल थे ना, वो जो गोल्ड गोल्ड वाले सोने रंग के, मुझे वो अच्छे लग रहे थे। मैंने बोला तुमने जब वो अच्छे लग रहे तुमने वो तो कभी नहीं बताया मेरे को, मम्मा मुझे आपके बाल अच्छे लगते हैं। कहता आपने कभी पूछा ही नहीं। चलो भाई, एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी सबके परचेजिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ खास नहीं यूज करने वाली, जस्ट एक ऑयल यूज करूंगी, शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हम करेंगे अपने बालों के लिए। बट जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो बस मैं आप लोगों को, यार वैसे ही यार मेरा बात करने का मन कर रहा था और कुछ भी नहीं। बारिश होगी क्या? एक तो बारिश का कुछ पता नहीं लगता। हाँ, पानी गिर रहा है, बारिश होगी। एक सेकंड पहले धूप होगी, कपड़े सूखने डाले होंगे। मैं बोलूंगी चलो कोई बात नहीं, अभी चाय रोटी खा लूं, चाय पी लूं, उसके बाद फिर मैं अपना कपड़े उतारती हूँ। भैया चाय पीते पीते बारिश हो जाती है, मतलब सारे कपड़े सूखे हुए दोबारा से गीले हो जाते हैं। मेरे साथ ही पिछले 2 दिन से बादल भी गरज रहे हैं। ये लाइट ही ना चल जाए, ओ भाई सॉब, चलो 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 चलो, लाइटें चल जाती है। फिर पता क्या होता है, एक लाइट ये वाली जलती है, नहीं नहीं एक लाइट ये जलेगी, एक लाइट ये जलेगी, ये वाली 2 लाइटें बंद हो जाएगी, समय मेरी 4 लाइटें जल रही है। फिर ना बड़ी डार्क डार्क सी वीडियो आती है। छोड़ो यार, बाद में बात कर, मतलब वॉइस ओवर करूंगी मैं इसको। गाइज, ऑयलिंग करने लगी हूं मैं यहाँ पे यूज करूंगी एल्प्स गुडनेस का कैस्टर एंड भृंगराज ऑयल। ये आपके ना बालों की ग्रोथ करने में आपको हेल्प करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों के टेक्सचर को अच्छा करेगा, जो मुझे इस समय तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा वाला जो एक्सपेरिमेंट किया अपने बालों के ऊपर, तो मैं अच्छी तरह से अपने बालों को भर के ऑयलिंग करूँगी। अच्छा, मैं अगर नहीं भी ऐसा कुछ हेयर कलर करती ना तो भी गाइस मैं अपने बालों को अच्छी तरह से ही ऑयलिंग करती हूँ, इसलिए आप देखते हो कि मेरे बालों की थोड़ी सी ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो जाती है एंड टच वुड यार थू जल्दी भी हो जाती है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयलिंग कर लूँगी, बालों की लेंथ के ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी और ओवरनाइट ऑयल रखूँगी मैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं नेक्स्ट डे वॉश कर, मतलब 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद धो दूंगी। मैं अच्छी तरह से तेल लगा के पूरी अगले दिन ही मैं वॉश करूंगी मैं, ठीक है? तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे कॉम वगैरह कर ली और ये एल्फ गुडनेस का ऑयल भी मुझे काफ़ी पसंद है। आपने देखा हाफ से ज़्यादा यूज़ कर लेता। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस का कलर प्रोटेक्ट। ये
प्रोटेक्टिंग शैम्पू है, ये आपके बालों का जो कलर होता है ना उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये वाला शैम्पू यूज़ करूँगी। मैंने वैसे ही मंगवाया था ट्राई करने के लिए, मुझे इसकी खुशबू भी काफ़ी पसंद आई थी। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस है, मुझे लॉरियल वालों ने नहीं भेजा है, मैंने खुद ही मंगवा लिया था क्योंकि डेफिनेटली मैं कलर करती हूँ अपने बालों पर, तो मुझे था कि कलर प्रोटेक्ट वाला शैम्पू मंगवाती हूँ ट्राई करने के लिए। तो अच्छी तरह से मैं शैम्पू को अप्लाई करूँगी। हाँ जी, जैसा कि मैंने सोचा था थोड़ा सा कलर तो निकलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वॉश कर रही थी ना मैंने कलर करने के बाद, तो हल्का हल्का सा कलर तो निकला था, मतलब पिंक सा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सेम रेंज का लॉरियल पेरिस का कलर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिंग कंडीशनर। सिर को अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हेयर लेंथ के ऊपर कंडीशनर यूज़ करूँगी मैं। हल्का हल्का सा जो आपके स्कैल्प के ऊपर बाल होते हैं ना, आपने वहाँ पे भी कंडीशनर यूज़ करना था, बस स्कैल्प के ऊपर नहीं यूज़ करना था, बट ऊपर वाले बालों के ऊपर भी आप यूज़ करो अच्छी तरह से कंडीशनर को। और उसके बाद फिर आप अपना नहा लो, जो भी आपने अपना करना है बॉडी पे, हल्के हल्के से जो हेयर हैं आपने उनको क्लीन करना है, शेव करना है, जो भी मतलब आपने अपना काम करना है, नहा लो। उतनी देर आपका कंडीशनर सिर के ऊपर लगा रहेगा, 5-7-8 मिनट के लिए, तो बस अपना काम हो जाता है उतने में। ओके गाइस, मैंने अपना शावर ले लिया है और जैसा कि मेरा अंदाजा था कि बालों में से कलर निकला है, तो काफी हद तक बालों में से कलर निकला है, क्योंकि जब आप पहली बार वॉश करते हो ना तो कलर निकलता है। ये आप मेहंदी लगा लो, चाहे आप कोई भी ब्रांड का कलर लगा लो, ये कॉमन है, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन कलर किया था और उसके बाद फिर मैंने जस्ट पानी के साथ उसको वॉश करके, जो उनके साथ जो रॉयल जेली मास्क मिला था वो अप्लाई करके, फिर उसके बाद फिर मैंने पानी के साथ रिंस कर लिया था, शैम्पू कहीं पे भी यूज नहीं किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तेल लगाया एंड उसके बाद फिर शैम्पू एंड कंडीशनर किया। शैम्पू कंडीशनर फिलहाल तो मैंने कलर प्रोटेक्टेंट वाला कर लिया, आपने देख लिया पहले, ठीक है। लेकिन कभी लाइक मैं चेंज करती रहती हूँ, आपको पता है कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहा होता था, आई जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। बट फिलहाल तो मैं यही यूज कर रही हूँ। हाँ चलो, कलर निकला तो काफी हद तक ना अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ब्राइट रेड लग रहा था, बट अब ये थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, बाकी सूखने दो। चलो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लॉरियल पेरिस का सीरी एक्सपर्ट वाला ये सीरम है, वीट ऑयल एब्सोल्यूट रिपेयर नरिशिंग सीरम है। इसके साथ ना सीरी एक्सपर्ट रेंज भी आती है, वो थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास, इसलिए मतलब पूरा नहीं था कि उसको मैं एक बार वॉश कर सकूं। अगर आप लोगों ने लॉरियल पेरिस की सीरी एक्सपर्ट रेंज नहीं ट्राई किया ना, जरूर ट्राई करो, बड़ी सही वाली है। अच्छा, मेरे पास आप बोलोगे इसका जो फेवरेट वाला सीरम है वो कहाँ है, खत्म हो चुका है, फिर मेरे को मंगवाना है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम, है ना, जो बड़ी सी बॉटल है, फिनिश हो चुका है, 2 बॉटल्स मैंने उसकी जस्ट फिनिश कर दी। अब ये जो है सीरम, इनको भी तो यूज करना है, एंड यार एक जैसे लगते मेरे को सारे सीरम, ठीक है। अगर आप ढंग से पहले ऑयलिंग वगैरह कर लेते हो ना, तो आपको सीरम लगाने का भी फायदा होता है। अगर आपने तेल ही नहीं लगाया, रूखे सूखे से बाल है, तो उसका भी क्या फायदा। कुछ लोग तेल सिर्फ अपने सिर के ऊपर लगाते हैं, उसका भी क्या फायदा भैया, लगाना है तो पूरा ढंग से ही लगाओ, बाल भी तो ये अपने ही है, ठीक है। सीरम मैंने अप्लाई कर लूं अच्छी तरह से, एंड जब सूख जाएंगे फिर एक एंड में क्लिप इंक्लूड करूंगी। वैसे भी अभी दिन का टाइम है तो धूप हो गया। अच्छा, किसी ने कमेंट करके बताया था कि दी धूप में दिखाओ, तो चलो अभी सूख जाएंगे ना बाल, तो मैं आपको धूप वाला सीन भी ऐड कर दूंगी। अभी मेरे को ना 2 हॉल वीडियो शूट करनी है, अभी बाहर मेरे को पार्सल भी रिसीव हुआ है व्हाइल आई वाज बाथिंग, तो नहाते समय आरके पापा ने रिसीव किया, तो देखती हूँ जब तक बाल नहीं सूखते कोई और काम तो कर नहीं सकती मैं, ठीक है, मतलब वीडियो वाला। तो उतनी देर में ना कोई 2 हॉल शूट कर लेती हूँ। या चलो, मैंने हल्की हल्की सी कॉम कर ली ताकि सारा सीरम थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, और जब मेरे बाल सूखे ना तो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट होके ही सूखे, ये नहीं कि पूरे एकदम वैसे वैसे करके सूखे, ठीक है। तो अभी मैं बालों को ऐसे ही रहने दूंगी, फिर ये जब ड्राई होंगे ना, एयर ड्राई होने दूंगी, ऐसे कुछ मैं पंगे नहीं लेती, एयर ड्राई ही होने देते हैं अपने बालों को, तो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट वे में ही सूख जाएंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के एंड में एक छोटी सी क्लिप इंक्लूड करूंगी जिसमें मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, तो जिसमें आप देख लेना धूप में कैसा लगता है।